Which of the following atoms has the lowest ionization potential? Ionization potential lowest किसके लिए? चारों में से। अब ionization potential उस atom के लिए lowest होगा जिसके लिए ionization energy सबसे कम। अब ionization energy का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? That is called as ionization energy। कम से कम मिनिमम एनर्जी। अब किसके लिए एनर्जी कम चाहिएगी? जिसके लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। अब रेडियस देख लेंगे, और रेडियस किस पर डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट का नंबर कौन से वाला है। सो यहां पर 7 एटॉमिक नंबर, यहां पर 55, यहां पर 18, यहां पर 8। तो अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑर्बिट नंबर बढ़ जाएगा सबसे आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है। सो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर किसमें है? सीजियम में। इसके लिए एन सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा दूर है, तो उस पर न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स लगाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होगा इन कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। सो अपना आंसर है बी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जो बोर मॉडल है वो इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बोर मॉडल केवल किनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिनके आउटर सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूट्रल एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 55, इसमें 18, इसमें 8। हमें सबसे आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसके लिए मोर और लेस आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखें। एनर्जी किसके इक्वल होती है? माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज अप्लाई कर रहे हैं एन, ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी ही प्लस में। सो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। अब किस पे डिपेंड करेगी? एन पर। अगर एन ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। एन सबसे ज्यादा किसके लिए? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, दैट इज सीजियम। ऑल्सो यू कैन राइट द आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हेंस द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और रेडियस कैसे डिपेंड करती है? एन स्क्वायर पर। सो अगर ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, तो रेडियस इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज होने से आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो एन किसके लिए ज्यादा? सीजियम। तो आर उसके लिए ज्यादा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम के लिए सबसे कम।